तो अभी एक बात ध्यान पे जाती है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है अलग अलग कंट्री का वो अलग अलग है। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स को कैसे बनाते हैं, इसका बेस क्या है, और सस्टेनेबल लिविंग क्या है, या इसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इस पर थोड़ा क्लियर कर देते भैया। देखिए, बेहतर बनाने को तो यही विधि है कि जानने का काम हो जाए। तो यहाँ जी डायग्राम में लिखा होना जी जी बेहतर होगा जानने से, जानने का काम हो जाए। जानने का काम शेष रहता है तो समस्या होती है। तो ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स बने हुए हैं, अगर मानने के आधार पर बनाएंगे तो वेरिएशन होगा। हैप्पीनेस अल्टीमेटली देखें तो क्या है, स्वभाव में होना। तो लोग कितने स्वभाव में आ गए उसको हम इवेल्युएट करेंगे। उसको इवैल्यूएट करने के मापदंड क्या होंगे वो हम तय कर सकते हैं, है ना, उसके ऊपर, क्योंकि वो विचार की वस्तु है, क्योंकि जीने से जुड़ा है। तो मानव कितने अपने स्वभाव में जी रहा है, इसको हम जीने में कैसे आकलन करेंगे, इसके लिए हम साथ बैठेंगे, विश्लेषण करेंगे, है ना, कुछ आकलन करेंगे, उसके लिए हम मापदंड बना सकते हैं मिलकर। परंतु मूल रूप से मानव का जो सुख है वो व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है, ये तो निश्चित होना जरूरी है। जी भैया, ये सस्टेनेबल लिविंग का जो है इसको थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। और सस्टेनेबल लिविंग का मतलब कि हमारी जैसे जो जीने का क्रम है, जो मानव लक्ष्य की पूर्ति है, वो निरंतरता में होती रहे, उसको सस्टेनेबल लिविंग कहेंगे। अच्छा भैया।